नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार सरकार। वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूपटॉप। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, मतलब कलरफुल जो फ्लावर जरबेरा है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे इसको समर में केयर करेंगे ताकि आपको समर में भी ये जो है फ्लावरिंग करते रहें। तो दोस्तों, देख रहे हैं कितना अच्छा ये फ्लावर है, कितना कलरफुल और कितने बढ़िया लग रहा है देखने में। तो दोस्तों, ये जो फ्लावर है, ये जरबेरा, ये बहुत ही मतलब गार्डन को शोभा देता है, बहुत डिफरेंट कलर्स में आते हैं। तो मेरे पास जो है ये एक ही वैरायटी जो जरबेरा रेड कलर का, यही मतलब मेरे पास कुछ पौधा है। ये पिछले साल का पौधा, मैंने इसको केयर करके रखा, तो ये देखिए अभी थोड़ा सा जो है ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर दिया। तो बीच बीच में ये पूरे साल भर मतलब जो है थोड़ा बहुत फ्लावरिंग करता ही रहता है। तो दोस्तों, चलिए, ये समर में इसको केयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये प्लांट को जो है हम सेव कर पाए और जो है फ्लावरिंग भी इसमें होते रहे। तो दोस्तों, चलिए, पहले जो है मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों, देखिए, ये प्लांट्स जो है थोड़ा बहुत जो है हेल्दी तो है, लेकिन धीरे धीरे जो है आप देख रहे हैं इसका जो पत्तियाँ जो है ये ड्राई हो रहा है और इसके अंदर जो है इसके अंदर भी थोड़ा सा घास फूस भी हो रखा है। तो इसको पहला जो है केयर, आप इसको जो ड्राई लीव्स है इसको थोड़ा सा निकाल दीजिए, जो ड्राई लीव्स जो ड्राई हो गया इसको भी निकाल दीजिए। अगर कुछ फ्लावर का जो स्टेम है, ये जो सूख गया फ्लावर उसका भी स्टेम होगा तो फिर वो स्टेम को भी नीचे से बिल्कुल मतलब पत्ते के किनारे से मतलब आपको उसको काट देना है। तो दोस्तों, ये जो देखिए ये स्पॉट वाला लीव्स इसको भी रखना नहीं है, ये स्पॉट वाला जो ये देखिए इसमें स्पॉट है इसको भी रखना नहीं है क्योंकि ये फंगस का मतलब पैदा करेगा, तो फंगस पैदा करेगा तो इसको भी निकाल के फेंकना है जितने स्पॉट वाला लीव्स है। तो दोस्तों, देखिए इसमें और कुछ नहीं है, ये वाला जो है इसमें थोड़ा सा घास फूस है, थोड़ा ये दूसरा जो घास फूस है इसको भी निकालना पड़ेगा। ये देखिए मैं इसको निकाल देता हूँ। उसके बाद जो है दोस्तों, उसके बाद जो है थोड़ा सा हल्का सा इसको गुड़ाई कर देंगे। थोड़ा सा गुड़ाई करने से जो फर्टिलाइज़र जो यूज़ करेंगे तो फर्टिलाइज़र जो है थोड़ा किनारे किनारे से मतलब उसको डालना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा किनारे से जो मिट्टी है उसको थोड़ा ऊपर की तरफ उठा के फिर उसमें फर्टिलाइज़र को हम डालेंगे। तो दोस्तों, ये गुड़ाई कर दिया, अभी जो फर्टिलाइज़र मैं इसको यूज़ करूँगा वो देख लीजिए, ये जो है ये बर्मी कंपोस्ट। दोस्तों, ये बोन मील है, ये फ्लावरिंग का जो है हेल्प फ्लावरिंग के लिए हेल्प करेगा, ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा। ये शिंकुची भी, ये शिंकुची है जो कि हॉर्न डस्ट है, ये भी जो है ये प्लांट्स को जो है ग्रोथ करने में सहायता करता है, तो ये भी एक हेल्थ बूस्टर है। दूसरा जो है ये सुपर फॉस्फेट, ये भी जो है एक हेल्थ बूस्टर है जो प्लांट्स को मतलब पूरा जो न्यूट्रिशन है उसको पूरे प्लांट्स में पहुंचाने का काम करता है। दोस्तों, ये जो है थोड़ा सा फंगिसाइड मैंने लिया ताकि एक स्पून के करीबन, छोटा स्पून का, ये भी मतलब जो है आपका कोई फंगल डिजीज इसमें ना लग पाए। तो दोस्तों, चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं थोड़ा सा हाथ से इसको डाल देता हूँ थोड़ा किनारे किनारे, ये देखिए किनारे किनारे डाल दीजिए और थोड़ा सा मिट्टी के अंदर थोड़ा सा इसको मिक्स कर दीजिए। उसके बाद इसमें वाटरिंग करना पड़ेगा। दोस्तों, सभी में डाल दिया, अभी जो है इसमें वाटरिंग कर देंगे। तो दोस्तों, इसको समर में आप जो केयर करना है, आप इसको वाटरिंग जो है फर्स्ट जो है वाटरिंग इसको मॉइस्चर मेंटेन करना है, तो इसीलिए इसको जो सॉयल है ये सूखने मत दीजिए, ड्राई होने मत दीजिए,
बिल्कुल जो है सॉगी वाटर, सॉगी सॉइल भी नहीं चाहिए इसके लिए। सॉगी सॉइल रखेंगे तो इसका रूट्स जो है इसमें फंगस लग सकता है और सर भी सकता है, तो इसीलिए सॉगी सॉइल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा वाटरिंग भी नहीं करना चाहिए। तो ये जो वाटरिंग ऐसे करें ताकि इसका इसका सॉइल में मॉइस्चर मेंटेन रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है सनलाइट पसंद है तो इसको सनलाइट में रखें। एक बात ज़रूर है, कोई दीवार के सामने मतलब इसमें मत रखिए, तो दीवार का जो हीट है, हीट से इफ़ेक्ट करता है ये, तो इसलिए दीवार के सामने मत रखिए। तो आप इसको धूप में, जहाँ धूप है वहाँ पर रख दीजिए। समर में बेशक इसमें फ्लावरिंग का थोड़ा सा फ्लावरिंग कम करता है, लेकिन फ्लावरिंग करता रहता है ये, और पौधा जो है धूप में ये अच्छा ग्रोथ होता है और अच्छा फ्लावरिंग भी करता है। नेक्स्ट दोस्तों फर्टिलाइज़र जो मैंने हम आज प्रयोग किया, तो इसको एवरी मतलब महीना में दो बार आप इसको फर्टिलाइजिंग करेंगे तो ये अच्छा, इसका अच्छा ग्रोथ रहेगा, अच्छा हेल्दी भी रहेगा और फ्लावरिंग भी अच्छा करेगा। जो जानकारी मैंने आपको दिया जरबेरा के बारे में, आपको अच्छा लगा जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।